देखा है क्या? नहीं देखा है, क्यों? दम में दिए मिर्जा को देखा है क्या? अक्षय कुमार की खिलाड़ी फिल्म देखी है क्या? नहीं देखा है। ये सब छोड़िए सर, नटरत्न, पद्मश्री, नंदमोरी, तारक रामा राव जी, फिर से श्री कृष्णा के गेटअप में आप आकाश से सीधे हमारे कॉलेज में पधार रहे हैं सर जी। आप दिखने में ऐसी लग रहे हो सर। आपको अपना स्टाइल बदल लेना चाहिए। गेट अप चेंज। यस ओके। अरे वो देख पंडित जी। अरे भागो भागो भागो। चल 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 चल। बेटा। हाँ। आज का हेडलाइन क्या है? हाँ पढ़ता हूँ। एक आदमी ने एयरपोर्ट से एरोप्लेन को उठाकर ले गया। अरे इसकी ऐसी की तैसी, एयरलाइंस को उठाकर ले गए तो मेरी गाड़ी किस गिनती में आती है? यही तो बात है। अरे तू रुक 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 रुक। किधर भाग गया साला? मुझे फंसा दिया उसने। अच्छा एनआरएल वाला। हाँ जी। एक नारियल दे जरा। इस सिटी में सड़क छाप गुंडे बहुत हैं। हाँ सही बात है। मेरी सोने जैसी गाड़ी को कोई उठा कर ले गया। हाँ अच्छा अच्छा। अगर वो बदमाश मुझे मिल गया तो मैं उसे नारियल की तरह छील दूंगा। हाँ क्या? ये नारियल कितने का है? ले मैं अपने मन से देता हूँ। हाँ ले। इसका पानी भी कड़वा है। इसकी ऐसी की तैसी वो मिल गया मुझे तो। हाँ क्या बात है सर, पेड़ के पीछे छिप छिप कर क्या लिख रहे हो? क्या सस्पेंस है? ऐसी कोई बात नहीं है, इस कॉलेज की ड्रीम गर्ल ने मुझे जो लव लेटर लिखा है उसका जवाब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिनेमा डायलॉग के लेवल में। गुरुजी ये लव लेटर आप घर में भी लिख सकते हो ना, यहाँ इतने लोग घूमते रहते हैं, कोई देख लेगा? अरे बाप रे, मेरे घर में अगर मेरे बीवी को और मेरे बच्चे को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? तो फिर आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं सर? जल्दी से लेटर लिख दीजिए, वहाँ लड़कियाँ बेसब्री से आपके लेटर का इंतजार कर रही हैं सर। लव लेटर है ना, इससे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गुरुजी आप सुंदर हैं, इतना ही बहुत है। मैं खूबसूरत हूँ ये मुझे पता है, लेकिन मेरा हैंडराइटिंग खूबसूरत नहीं है, इसलिए सफाई से लिख रहा हूँ। मैं बोलता हूँ आप लिखिए सर, लिखिए। तू रुक, मैं बोलता हूँ। डियर सत्या, तुम्हारी खूबसूरती पर लिखना मेरी आदत बन चुकी है। दरअसल तेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही मेरे रग रग में खून का टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है तू ही बोल। लिखिए सर, बॉडी का स्ट्रक्चर ही खून का टेम्परेचर बढ़ाता है। मुझे नहीं, या नहीं, तुम्हें? ये बुरी आदत मुझे क्यों रहेगी? क्यों सर, मैं आपकी लवर के बारे में क्यों सोचूंगा? मान लीजिए कि एक बार मैंने ऐसा कर भी दिया तो मैं आपके गुरु श्राप से तो बच ही नहीं सकता हूँ। देखो लड़के, मेरी बात सुनो, सुनो तुम लोग सुनो। इस लेटर कांड के बारे में तुम लोगों के अलावा और किसी को पता नहीं चला। किसी को नहीं बोलूंगा। हाँ बोलो बोलो। जितना लिख दिया उतना बस है सर। हाँ ठीक है, आगे बोलो। ठीक है ना, चलो बोलो। अच्छा हम आखिरी फिनिशिंग टच दे देते हैं। फिनिशिंग टच। हाँ सर, हाँ सर, लिखो लिखो। हाँ लिखो बोलो। तुम मेरी बाहों में आ कब बिखर जाओ, उस पल का इंतजार करने वाला तुम्हारा खूब। अच्छा एकदम लाजवाब, एकदम लाजवाब। लाजवाब लाजवाब है, उन बेकार लड़कियों से अच्छा तो मैं हूँ ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बालकनी का काम पूरा होगा क्या? आज पूरा हो जाएगा सर। हाँ। नमस्कार साहब जी, आपकी दया से मेरा पति अब पूरी तरह से बदल चुका है। सुनकर खुशी हुई बहन। ओम गाड़ी नमः, इस गाड़ी को मैं ले लूंगा नमः, ये लावा इस गाड़ी लगती है नमः, ये सब मेरा हो गया नमः, इससे मेरी दरिद्री दूर हो जाएगी। भाई रुक 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 रुक, ये सब क्या है भाई?
ये किसी की लावारिस गाड़ी है, इसके टुकड़े टुकड़े करके हुसैन सागर में मिला दूंगा भाई, समझे क्या? ये लावारिस गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी है ये, मेरे जीजा ने मुझे इसे दिलवाया था। देखो इधर, मैं नहीं जानता, किसी ने मुझसे इस गाड़ी की अंतिम संस्कार करने को कहा है, अगर रोकना है तो 100 की हरी पत्ती दो। अच्छा अच्छा, रुक रुक रुक, आँख बंद करके दो पत्ती मारता हूँ, मेरी गाड़ी का अंतिम संस्कार कर रहा है तू? आ इधर, तेरी तो जरा, अरे देखो क्या लिखा है। पंडित जी, हमने खेल खेल में आपसे मजाक किया है, हमें माफ कर दीजिए, इस लेटर में हम 100 रुपया रख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए, तेरी ऐसी की तैसी, सुखी रहो। अरे रो मत बहन, वो क्या छोटा बच्चा है, जो खो जाएगा लौट कर वापस जरूर आएगा। मेरा प्यारा चंडी, एक इकलौता बेटा है, वो अगर लौट कर वापस आ गया तो मैं 1000 नारियल भगवान को चढ़ाऊंगी भाभी जी। वो आएगा? आप दोनों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कौन है ये लोग? बेटा, मेरा लाडला बेटा, तू सच में मेरा बेटा है ना? मेरा चंडी है ना? माँ, मैं सचमुच में तुम्हारा इकलौता बेटा विशाल ही हूँ। फिर तुम्हारे साथ ये दोनों कौन है? ये सिकंदराबाद के तोते हैं डैडी, आपकी बहू है। तेरे को तो मैं अब भी बताता हूँ, रुक जा, रुक रुक रुक, बच्चे को नहीं छोडूंगा। पहले पता तो करे क्या बात, जल्दी पता कर ले, पति की जान बहुत महंगी है। तुमने इन दोनों से शादी कर ली है? हाँ माँ। बेटा, कोई भी मर्द ना किसी एक ही से शादी करता है, तूने दोनों लड़कियों से शादी क्यों की बेटा? ये समझदारी है माँ, सपोज दोनों में से कोई एक किसी दिन मुझसे लड़ झगड़ कर वापस अपने मायके चली गई तो सेफ साइड के लिए दूसरी तो मेरे साथ रहेगी ना। समझदार बेटा, अगर तुम्हारी ये समझदारी थोड़ी सी भी तुम्हारे पिता में होती तो क्या होता? आपका घर टूट जाता माँ। क्या रे, अभी तक तुम दोनों कह रहे थे तुम्हारा बच्चा बहुत नादान है और एक साथ दो बीबियां लाया है और सेफ्टी बता रहा है, इसे एक बार अंदर डालूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी रोड पे क्या ड्रामा है, जाओ जाकर आरती की थाली लेकर आओ। अब अंदर चलो। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको बहुए, तुम दोनों ने अपनी पसंद से शादी किया है ना? हाँ ससुर जी, हमने आपके बेटे को पसंद करके ही शादी की है। हाँ ससुर जी, आप हमें एक काम बताएंगे, काम डबल करेंगे। एक काम करते हैं, कुछ देर और देखते हैं, शायद ये फोन छोड़ देगा। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? ओके, ठीक है भैया। ये सब कैसे हुआ? मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। एक नहीं तो 1000 लड़कियों से प्यार कर सब चलेगा, तुम्हारे बॉडी को टच करने की हिम्मत किसने की? उस लड़की के भाई को मैं पसंद नहीं हूँ। डोंट वरी, मैं अभी इसी वक्त इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। इस फोन से तो उस लड़की के भाई को फोन लगा। हेलो, मैं शिवा आपकी बहन से प्यार करता हूँ, मेरे भैया अमेरिका से आए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं भाई बोल रहा हूँ। तू भाई है तो मैं रॉयल सीमा का रत्नाराम हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं कड़प बम अपनी माँ की कोख से लेकर आया था, मैं जिससे भी चाहूँ उसके टुकड़े टुकड़े करवा सकता हूँ। तू रॉयल सीमा रत्नाराम है या रोड छाप गुंडा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अपना मुंह बंद कर, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तू इस वक्त हमारी जमीन पे है, मेरा भाई तेरी बहन से प्यार करता है, तू अभी इसी वक्त शादी के लिए हाँ कर रहा है या नहीं? तू और तेरा भाई मेरे घर के चौकीदार बनने के लायक भी नहीं हो, और मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे भाई के साथ कर दूं, दोबारा ऐसा मत कहना। अगर मेरे घर के वॉचमैन ने भी ये बात सुनी तो तुम्हें मारेगा बेवकूफ कहेगा। वो मारेगा या मार खाएगा, तू और तेरे सभी आदमी मेरे सामने खड़े हो जाओ, तब पता चलेगा मेरा पावर क्या है। ए! तू चार मीनार सेंटर में आने के लिए बोलो या गोलकुंडा आने के लिए बोलो, तेरा पावर क्या तेल लेने, ये रॉयल सीमा रत्नाराम का स्टाइल है, समझा क्या? तू अपने डर को अपने बातों के जरिए छुपाने की कोशिश कर रहा है, तू भाई के गुस्से को ललकारने की कोशिश मत कर। तुम्हारा नाम सुनकर मैं डरने वालों में से होता तो मैं अमेरिका से यहाँ नहीं आता, वहीं से अपने आदमियों को ऑर्डर कर देता, वही तुम्हारे लिए काफी है। चुप कर, तू अपनी तुलना मेरी हैसियत से मत कर, हफ्ता वसूलने वाले मामूली गुंडे हो। अगर तुम दोनों को पैसा चाहिए तो मुझसे बोलो, जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं
अपनी बहन की शादी तुम्हारे भाई से कर दूं, ये सपना दिखना छोड़ दो। सेल हाथ में, इसका मतलब कुछ भी बकवास मत काट। चल फोन रख। सुनो, पकड़ो, दोबारा फोन करे तो मुझे सेल देने की तकलीफ मत करना, मार डालूंगा। जाओ, शराफत की भाषा उसे समझ में नहीं आती। किसी भी तरह से उसके गले में मंगलसूत्र डाल, मुझे तुम पर गर्व होगा। जी भर के जी लो तुम जरा, मेरा दिल कब से कह रहा। जी भर के जी लो तुम जरा, मेरा दिल कब से कह रहा। चार दिन की है ये जिंदगानी, सुनो गम को छोड़ के इसमें खुशियाँ चुनो, तोड़ के सारे बंधन।